नमस्ते दोस्तों, आप अब सच रहे हैं ओम जीवल पे। दोस्तों मैं नागपुर के नेशनल कांग्रेस में, यहाँ पे जो प्राइड ऑफ इंडिया है, यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स हैं। तो यहाँ पे डायनासोर्स का है, तो आज मेरी आंटी डायनासोर्स ये जो सदस्य हम क्या बताएंगे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी, आप मुझे इन सब बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। खोपड़ी से लेकर वहाँ तक ये सारे फॉसिल्स है। फॉसिल्स जब सालों साल जमीन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है और वो जमीन के अंदर दबा रहता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका फॉसिल्स में कन्वर्शन होने में हेल्प मिलता है। तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स और डायनासोर्स और बॉस, उनके सबके फॉसिल्स है। दिस वन इज द स्कल ऑफ बॉस। बॉस यानी प्रिमिटिव स्टेज ऑफ बाइसन। बाइसन का प्रिमिटिव स्टेज यू कैन से द फोर फादर्स, अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बट उनके सारे फीचर्स प्रिजर्व्ड है। इवन उसके टीथ वगैरह आप वहाँ पे देख सकते हैं। Then these are the pseudo fossils. That means these are just impressions, impression of fish and impression of leaf. This is petrified wood. Petrified wood means wood which is converted into rock. But you can see the annual rings and all preserved in that specific piece. ये ऐसी wood है जो पत्थर में convert हो गई है। Okay, exactly. पत्थर में convert कैसे हो गई? Fossilification या petrification process से। मतलब वो कैसे होता है? जब वो जमीन के अंदर सालों साल दबा रहेगा, ऑक्सीजन अगर वहाँ पे एब्सेंट रहेगा तो सड़ने का प्रक्रिया रुक जाएगा और जो भी मिट्टी में वो दबा हुआ है वो वहाँ पे एंटर करके उसमें हाँ, सेल बाय सेल, पार्टिकल बाय पार्टिकल उसका रिप्लेसमेंट करेगी। उसको हम लोग फॉसिलाइजेशन या पेट्रीफिकेशन बोलते हैं। दीज आर कोरल्स। कोरल्स समंदर के पानी के अंदर रहते हैं, ये भी सॉफ्ट रहते हैं बट अभी फॉसिल बनने की वजह से पूरा हार्ड बन गया है, लेकिन उसका पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज प्रिजर्व्ड है। स्नेक इन डायनासोर नेस्ट गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से मिला है। स्नेक के नेस्ट में मिला हुआ डायनासोर के नेस्ट में मिला हुआ स्नेक का फॉसिल है। स्नेक का स्पीसीज आइडेंटिफाई हुआ है सनेजा इंडिकस, दैट इज पाइथन लाइक स्नेक्स। डायनासोर का स्पीसीज आइडेंटिफाई हुआ है सौरोपोड, दैट इज हर्बिवर वैरायटी ऑफ डायनासोर। स्नेक और डायनासोर एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते थे, ये चीज से क्लियर होता है। इसका एज या डेटिंग करने से जो एज निकला है उसका निकला है 67 मिलियन ईयर्स। दिस इज डायनासोर एग। अंडा जो अभी पूरा फॉसिल बन गया है, दैट मीन्स इसमें अभी कुछ भी एम्ब्रियो या डीएनए नहीं बचा है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा प्रिजर्व्ड है। गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है ये सौरोपोड वैरायटी, जो कि हर्बिवोर वैरायटी ऑफ डायनासोर है, उसका ये एग है। टूथ ऑफ डायनासोर, डायनासोर का टूथ, ये भी गुजरात से मिला हुआ है। देन कोप्रोलाइट्स। कोप्रोलाइट्स मीन्स डंग ऑफ डायनासोर। वेदर द डायनासोर वॉज हर्बिवोर या कार्निवोर, उसका डंग का थिन सेक्शन बना के पता चलता है। जैसे ये पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने स्टडी किया तो उसमें लीफ इंप्रेशंस मिले हैं, दैट मींस दिस कोप्रोलाइट बिलोंग टू अ हर्बिवर वैरायटी ऑफ डायनासोर। देन कॉडल वर्टिब्री ऑफ डायनासोर। कॉडल यानी टेल बोन, टेल का पूछ, पूछ में जो हड्डी रहती है वो बोन। अगर टेल का बोन इतना छोटा है, दैट मींस दैट डायनासोर वाज वेरी ह्यूज। देन दीज आर मोलार ऑफ हिप्पोपोटामस। मोलार यानी जो पीछे वाले बड़े वाले जो दांत रहते हैं हिप्पो के मोलार। देन उसका जॉ बोन, ये पूरा फॉसिलाइज्ड हो चुका है। मोलार ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के मोलार विथ जॉ बोन या मैंडिबल यू कैन से, ये भी पूरा फॉसिलाइज्ड हो चुका है। द लास्ट वन इज ह्यूमन स्कल, नर्मदा मैन। नर्मदा नदी से मिला था इसलिए नर्मदा मैन इसको कहा जाता है। डेटिंग में इसका एज निकला है 5 लाख, 5 लाख साल पुराना इंसान। होमो इरेक्टस स्टेज, दैट मीन्स वो स्टेज जहाँ पे इंसान ने दो पैरों पे खड़े होके चलना सीखा, वो स्टेज का। दिस इज द ओनली फॉसिल फ्रॉम इंडिया। ओके, थैंक यू। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? थैंक यू आंटी जी, आपने मुझे इतना कुछ बताया। थैंक यू।